हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ मट्ठा फुल्की। मोस्ट ऑफ हम मट्ठे से कढ़ी बनाते हैं, मैं बना रही हूँ मट्ठा फुल्की, जिसके लिए सामान सुन लीजिए फ्रेंड्स। मैंने लिया है 1 लीटर मट्ठा, 1.5 बाउल बेसन, बहुत थोड़ी सी मटर, बारीक कटी हुई प्याज, नमक, 1 चुटकी खाने का सोडा, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और हरा धनिया। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो बेसन लिया है उसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने में जो हम सब इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले मिर्ची, जीरा, बेकिंग सोडा और नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, बेसन में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने अभी रोक दिया है। किस लिए? मटर और ये जो हरा धनिया है इसे हम बारीक पीस लेंगे। मटर को गर्म पानी में थोड़ी देर बॉईल करने के बाद हरे धनिया और मटर को पीस लेंगे। पीसने के बाद वो देखिए ऐसे तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैंने पानी थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि थोड़ा इसमें भी पानी मिला हुआ है। पहले हम इसे मिलाएंगे, उसके बाद जितनी ज़रूरत लगेगी पानी की उतना पानी हम ऐड करेंगे। देखिए इसे ऐसा फेंटना है, बिल्कुल भी कोई गुठली लम्स ना रहे। मैंने मटर वाले ही उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें मिक्स किया है, ताकि इसका रंग हरा सा आए। देखिए इसे खाली बेसन की फुल्की नहीं रहती, थोड़ा वेजिटेबल्स का भी कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी आ जाता है बहुत अच्छा। ऐसे इसे फेंटने के बाद अगर आप 10 से 5 मिनट रख दें तो बहुत अच्छा है, और आप साथ के साथ बनाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट ऐसा तैयार करना है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। ये देखिए, सबसे बाद में ऐड करेंगे इसमें, जब पेस्ट बिल्कुल तैयार हो जाए बेसन का, तब उसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक प्याज। अगर प्याज पहले ऐड कर लेते हैं तो हमें फेंटने में दिक्कत होती, इसलिए प्याज या आपको जो भी कुछ और ऐड करना है वो बाद में ऐड करें। प्याज भी अच्छे से मिक्स हो गई है, आप चाहें तो इसके बाद नमक टेस्ट कर ले। यहाँ नमक टेस्ट करने से पता चल जाता है नमक हल्का या तेज तो नहीं है। तैयार है, मैंने एक पैन में पहले ही तेल रखकर हाई फ्लेम पर देखिए गर्म कर लिया था। जब तेल तेज गर्म हो जाए फ्लेम मीडियम कर ले, फ्लेम ऐसे ही रहेंगी हाई टू मीडियम, कोई भी गोल छोटा चम्मच ले लें, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। जब भी आप फुल्की बनाएं इस बात का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ऑयल में ना बनाएं, बहुत ज़्यादा ऑयल में बिखर जाती हैं अगर बारीक पेस्ट की आप फुल्की बनाते हैं। मैंने छोटा चम्मच लिया, इसलिए थोड़ा थोड़ा बैटर डाल ली, थोड़ी छोटी बन रही है। आप बड़ा चम्मच लेंगे तो बड़ी बड़ी बना सकते हैं। क्योंकि हमने 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है, उसकी वजह से देखिए ये फूलने लगी हैं। 1 स्पून की मदद से इनके ऊपर ऑयल डाल दें ऐसे, और मटर की वजह से ये ग्रीन लग रही हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं।
ये देखिए मैंने सात के साथ बनाया है। अगर आप पेस्ट 10 मिनट रखकर बनाएंगे तो इसे 1.5 गुना ज्यादा फूलती है। देखिए ऐसे गोल्डन कर लेनी है दोनों साइड से। गोल्डन होने के बाद इन्हें निकाल लें। मैंने मटर वाली बनाई है, अगर आपको सिंपल पसंद है, मटर नहीं पसंद है तो आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने दही फुल्की बनाई है। सिंपल बेसन की फुल्की है, आप सिंपल बेसन की भी डाल सकते हैं। मैं सब्जी वाली बना रही हूँ इस वक्त। इसी तरह सारी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए जी सभी मटर फुल्की तैयार हो गई है। जब ये तैयार हो जाए तो करना इतना है, किसी भी बर्तन में पानी ले, उसमें ने डिप करें। इससे क्या होता है एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, और उसे हाथ से ऐसे दबाकर सभी को पानी में से ऐसे ही निकाल लें। मट्ठा के लिए हमने तड़का तैयार किया है। तड़के के लिए मैं सामान आपको बता दूं फ्रेंड्स, जीरा कुटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्ची, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और रई। नमक मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि मट्ठे में कोई टेस्ट नहीं होता, हमें नमक मिर्ची मिलाना पड़ता है उसमें थोड़ा सा। और आप अगर लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह हरा लहसुन यूज करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली मुझे मिला नहीं मार्केट में वो, वरना उसका तड़का बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है मट्ठे में। बहुत हल्का सा गर्म करना है ऑयल। सबसे पहले डालेंगे रई। जब रई हल्की सी चटकने लगे, देखिए, तब गैस ऑफ कर देंगे और उसमें सभी चीजें डाल देंगे, जीरा, हरा धनिया और सबसे आखिर में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि पेस्ट में थोड़ा पानी है, उसके साथ ऑयल बाहर निकलता है, इसलिए ये तड़का लगाएंगे हम मट्ठे में। चलिए लगाते हैं। मट्ठे में सभी फुल्कियाँ पानी से निकालनी है, अच्छे से ऐड कर देंगे। तड़का तैयार किया है, ये ठंडा हो गया है, इसे मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मट्ठे में सभी फ्लेवर आ जाए, लहसुन अदरक का, जीरे का, मिर्ची का। सभी चीजें अच्छे से मिला लें। देखिए जो बचा हुआ तड़का है उसे भी यूज कर लेंगे इस तरह। देखिए इससे क्या होगा, सारा तड़का यूज हो जाएगा। ये अच्छे से मिल गई हैं। आप चाहे तो यहाँ नमक टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा, सॉरी मट्ठा काफी खट्टा होता है, नमक ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, आप अपने स्वाद के अनुसार रख लें नमक मिर्ची। अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे, बारीक कटे हरे धनिया से गार्निश कर दें। लीजिए तैयार हो गई हैं मट्ठा फुल्की, जो कि बहुत ही खट्टी और यमी होती हैं खाने में। इसे आप
खिचड़ी के साथ सर्दियों में कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, पराठों के साथ, या सब्जी वाले राइस बनाए उनके साथ, उड़द की दाल की खिचड़ी के साथ, किसी भी किसी चीज के साथ खा सकते हैं। इनका अपना एक टेस्ट होता है बहुत अच्छा, जिस भी चीज के साथ आप इन्हें खाएंगे उस चीज का टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।